नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है श्री अरविंद महिला कॉलेज में है और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं, मकसद हमारा ये है, महिंद्रा प्राइवेट क्लासेस की तरफ से जो है जॉब उत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जॉब कैंपस के जो सिलेक्शन करता है वो यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आपके कॉलेज में जो है जॉब कैंपस का आयोजन किया गया है महिंद्रा प्राइवेट क्लासेस की तरफ से। एक्सपीरियंस हमारे बच्चे बहुत अच्छे ट्रेंड हुए हैं और जैसे जैसे नंबर्स बढ़े हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में कुछ और था, सेकंड में कुछ और था, थर्ड और फिफ्थ तक आते आते हमारे बच्चे स्मार्ट इनफ हो गए हैं कि इंटरव्यू फेस कर सके। हमारा सवाल ये है कि जहाँ लड़कियों को जो है घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन महिंद्रा प्राइवेट क्लासेस की तरफ से इस तरीके का लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरीके का पहल की जा रही है, तो कैसा लग रहा है आगे चल के किस तरीके से लड़कियों का भविष्य जो है संवरेगा? ऐसा नहीं है कि लड़कियों को घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है। जब लड़कियां मेरे यहाँ के पढ़ रही हैं तो लड़कियों को अनुमति दी जा रही है, तभी पढ़ रही हैं। और हमारे कॉलेज की लड़कियां काफ़ी अवेयर हैं। साथ में एक सुविधा हुई है महिंद्रा क्लासरूम के साथ अटैच होने से कि लड़कियां थोड़ी जॉब और ओरिएंटेड हो गई हैं। और हमारा जो पूरा प्लेसमेंट सेल है, जो हमारे जो डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं आदित्य सर, गोपाल सर और हमारी सपना मैडम, काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं, तो इन सबको मिल के लड़कियाँ बहुत मोटिवेट हुई हैं कि हमको कुछ करना है, अपने पाँव पे खड़े होना है। लड़कियों को कोई बंदिश नहीं है। लेकिन सुदूर क्षेत्रों में अभी भी तो लड़कियों को बंदिश रखा जाता है, उनके लिए आप क्या करना चाहिएगा? सुदूर क्षेत्रों में जैसे लड़कियों के लिए बंदिश है, पर ऐसा एसच बंदिश है, जो लड़कियां जो करना चाहती हैं आज के दिन में भी कर रही हैं। लड़कियों को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, कोई अभी लड़कियों को प्रेशराइज नहीं कर सकता आज के ज़माने में, अगर लड़कियां करना चाहें तो। जैसे कि 2022 से हम लोग जो है महिंद्रा प्राइड का क्लासरूम करवा रहे हैं, और पहले बच्चे जब ट्रेंड हो जाते हैं, जैसे एम्प्लॉयज आते थे तो उनकी शिकायत रहती थी कि बच्चे आपके जो वेल ग्रूम्ड अप नहीं है, तो ये ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि बच्चे अब बहुत बढ़िया से ट्रेंड हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल है, सॉफ्ट स्किल डेवलप्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि वो सब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जान रहे हैं। तो अब ट्रेंड बच्चों के साथ कंपनियां भी इंटरेस्टेड रहती हैं, उनको भी लगता है कि हाँ इन बच्चों में कुछ स्किल है जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। अभी तो लगभग 150 बच्चियाँ आज अपीयर हुई हैं जॉब फेयर में, जबकि इससे पहले वाले की तुलना में हम देखें तो बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है, अब बच्चे अपने आप सामने से आ रहे हैं। तो अभी तक लगभग पांच कंपनियां हैं, इंटरव्यू प्रोसेस चल रहे हैं और 25-30 लड़कियों ने अभी इंटरव्यू दिया है, और हमने सबके लिए ऑफर रखा है कि एक बच्चे पाँचों कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं। इससे पहले भी महिंद्रा के द्वारा जॉब फेयर का आयोजन किया जा चुका है, इवन पूरे बिहार के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे, तो अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट आज के समय में अवेयरनेस है, पहले लोग अवेयर ही नहीं थे लेकिन अब अवेयर हो गए हैं, इवन पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें समझ में आ रही है कि कहाँ कहाँ किस फील्ड में हैं। बच्चे भी अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो इसे हम एक पॉजिटिव वे में हमारा कॉलेज ले रहा है और स्टूडेंट्स आगे भी बढ़ेंगे इससे। आप जॉब उत्सव को किन तरीके से देखते हैं? माइंडसेट ये है कि लोगों को सरकारी जॉब ही चाहिए। हमने तमाम 2 साल से लगातार जितने भी अवेयरनेस कैंप सेशन चलाए हैं उसका मुख्य मकसद यही रहा है कि लोग सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे ना भागें, जो कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब्स हैं उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में ही अवेयर करना हमारे सेल का प्रमुख काम है, और इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते आए हैं। हम लोग ट्राई करते हैं लोकल जॉब का, बट आप जैसा जानते हैं कि बिहार में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, सो लोकल जॉब्स के ऑप्शन हमारे पास कम होते हैं, बट हमारा बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज से टाई अप है जो डिफरेंट स्टेट्स के भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उनको लोकल जॉब ही दें, अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग ऑप्शंस रखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि लोकल जॉब, कई बार क्या होता है ना कि लोकल जॉब्स उतना हाई पेइंग जॉब नहीं होता या फिर बड़ी कंपनीज बिहार में नहीं है, तो उस केसेस में हम लोग हमारे स्टूडेंट्स के लिए बाहर की कंपनीज को भी इनवाइट करते हैं। जैसे ये जॉब उत्सव में ही हमने बेंगलोर की कंपनी को, पुणे की कंपनी को, बजाज कंपनी को, इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने इनवाइट किया, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस हो सके और उनका कैरियर अच्छा बन सके। तो बेसिकली हमारा मोटिव है कि हमारी जो भी बिहार की गर्ल्स हैं, झारखंड की गर्ल्स हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिलता था, अब उन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि वो सारी गर्ल्स को, जिस तरीके से मैंने अपना पढ़ाई किया तो मैं ऑब्वियसली मैं उन लोगों के लिए भी उतना ही बेस्ट
चाहूँगी कि उनको भी मिले, तो मैं उनके लिए जितनी भी अच्छी कंपनी हो सकती है बिहार में, मल्टीनेशनल कंपनी हुई, जैसे आईटी सेक्टर्स का काफ़ी डिमांड है, तो उन लोगों को मैंने अप्रोच किया है। जितनी भी हेल्थ सेक्टर है पटना की रेप्यूटेड, उन लोगों को मैंने इन्वॉल्व किया है। तो उन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी हमारे साथ जुड़े एंड उन गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिले, सो डैट उनका आगे का फ्यूचर गोल अच्छा हो, उनको अच्छा जॉब मिले, उनका करियर काफ़ी ग्रोथ हो। आने वाले समय में ये विस्तृत रूप लेगा क्या? बिल्कुल लेगा, क्योंकि आज के टाइम में गर्ल्स लोग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी है, उनके पेरेंट्स भी अब सपोर्ट करते हैं। अब पहली वाली बात नहीं है कि लोग गर्ल्स को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं, किसी बाहर बैंगलोर नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि उनके उनकी बेटी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, वो दिल्ली हो, बैंगलोर हो, पुणे हो, क्योंकि ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी बाहर ही है। तो नो डाउट कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में आए कंपनी एंड हमारे सारी गर्ल्स को सपोर्ट करें, उनको प्लेसमेंट में हेल्प कर सके। एंड हम लोग लोकल भी कंपनीज रखे हुए हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना है, तो उनके लिए हम लोग उन्हें बिहार की भी लोकल कंपनीज़ के लिए भी रखा है उनको। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि बिहार में आपको भी पता है कि इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, बिल्कुल, तो उतनी संख्या में जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि हम लोग जो है लड़कियों को मौका दे रहे हैं, बिल्कुल, किन किन चुनौतियों को जो है आप लोग सामना करते हैं? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि महिंद्रा प्राइड क्लासरूम जो एक हमारा ट्रेनिंग सेशन है, जो कि आनंद महिंद्रा सर का विजन प्रोजेक्ट है, तो नांदी फाउंडेशन उसी में वर्क कर रही है, जिसमें कि हम लोग CSR में वर्क करें, तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। और ये जो ट्रेनिंग है, ये कम्प्लीटली उनके पर्सनालिटी में चेंजेस लाता है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग होता है, जिसके थ्रू बच्चों में काफ़ी कम्युनिकेशन स्किल्स में बदलाव आ रहा है, उनका ग्रूमिंग सेशन होता है, उनको इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी स्किल्स उनको बताया जाता है। और नो डाउट आफ्टर मतलब जितनी भी अभी सेशन हो चुकी है, उसके बाद काफ़ी बदलाव आया है हमारे स्टूडेंट्स में, एंड उसके बाद उन्होंने काफ़ी प्लेसमेंट्स वगैरह भी लिया है, और अभी भी ऑनगोइंग हमारा इंटरव्यू चल रहा है। महिंद्रा प्राइड क्लासेस की तरफ से जॉब उत्सव का आयोजन किया गया है, और साफ तौर पर लड़कियों को एक बेहतर भविष्य के लिए जो है इन्वाइट किया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।